शिवपुरी नगर पालिका में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने वाले ड्राइवरों का ठेकेदार ने 7 माह का वेतन हड़पा, एसपी से शिकायत। शिवपुरी नगर पालिका में आउटसोर्स कंपनी के ठेकेदार द्वारा डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने वाले ड्राइवरों का वेतन हड़पने का मामला सामने आया है। ड्राइवरों ने शनिवार को एसपी ऑफिस पहुंचकर इसकी शिकायत दर्ज कराई है। ड्राइवरों ने बताया कि आउटसोर्स के माध्यम से ठेकेदार सत्यम शर्मा द्वारा उन्हें कलेक्ट्रेट रेट पर डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने वाले वाहनों पर ड्राइवर रखा। इस दौरान ठेकेदार ने उनसे 7 माह तक काम और केवल 3 माह 7,000 रुपए का भुगतान किया, जबकि कलेक्ट्रेट रेट के हिसाब से 10,500 रुपए दिया जाना था। इसी दौरान जनवरी 2024 में ठेका समाप्त हो गया, जिसके बाद ठेकेदार सत्यम शर्मा द्वारा अभी तक उनका बकाया वेतन भुगतान नहीं किया गया। वेतन मांगने पर अब ठेकेदार द्वारा उनके साथ अभद्र व्यवहार कर गाली गलौज की जाती है। ड्राइवर दिनेश कुमार, तौसीफ खान, सुखलाल खावरी, मोहित वाल्मीक, वोवी खरे और राजेश कोड़े ने पुलिस अधीक्षक से ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई किए जाने और उनका बकाया वेतन भुगतान कराए जाने की गुहार लगाई है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है दिनेश कुमार साकेत। कैसे आई? सर, हम लोग यहाँ आए, हमारी तनख्वाह नहीं मिली है जुलाई माह से जनवरी तक की, जो हम नगर पालिका में डोर टू डोर कचरा वाहन चलाते हैं आउटसोर्स के माध्यम से, चलवाने की बोला था हमसे, जबकि पहले हमें नगर पालिका ने बोला था, लेकिन आउटसोर्स में चला रहे हैं हम लोग, जिसका ठेकेदार है सत्यम शर्मा, मामू पान वाली गली में रहता है। तो उसने हमसे बोला था कि आपको कलेक्ट्रेट मिलेगी, जिसका हमें ज्ञात जानकारी मिली कि हमारी 10,500 रुपये के लगभग सैलरी है, लेकिन हमको 7,000 रुपये उसने 3 बार दिए हमको 7,000 करके, और ये बोला था कि अभी आप ये ले लो, अपना काम चला लो, मैं आपको पूरा बाद में बराबर कर दूंगा, लेकिन हमको नहीं दिया गया है। जी आप बता रहे हो, इसका नाम बताया ठेकेदार का, ठीक है, राजनीति से जुड़ा है? हमें ऐसा ज्ञात हुआ है कि सत्यम शर्मा क्या है, जो अध्यक्ष दीदी हैं उनका कोई रिलेटिव है। अध्यक्ष क्या नाम है? जो गायत्री शर्मा जी अध्यक्ष, उनके रिलेटिव है, जो कोई भतीजे वगैरह है, तो उनके द्वारा ये आपको भुगतान नहीं हो रहा है क्या? हाँ, हमें वो जो कहते हैं कि अभी मेरे को पेमेंट नहीं हुआ है और मेरे को हो जाएगा तो मिल जाएगा, और हमें जानकारी मिलती है कई बार तो हमारा पेमेंट लिया जाता है और वो पेमेंट लेके गोल हो जाते हैं, वो कहते हैं कि पेमेंट नहीं हुआ है। कितने महीने का पेमेंट है? अभी हमारा 7 महीने में से हमको 3 महीने बाद 3 बार दिया 7,000 रुपये। तो क्या नगर पालिका से पेमेंट निकल गया आपका? हमें एक दो बार तो ये पता पड़ा कि निकल गया है, लेकिन अभी क्लियर हमें कोई जानकारी देता नहीं नगर पालिका में। CMO साहब से एक दो बार मिले तो CMO साहब जो कहते हैं कि ठेकेदार जाने और आप जानो, मैंने आपको नहीं रखा है। अध्यक्ष साहब से बात करी आपने? अध्यक्ष दीदी के पास एक दो बार गए तो मुझे कहती हैं कि पेमेंट करवा रहे हैं, अभी बजट नहीं है, और अगर एसपी साहब के पास है क्या मिला? अब अभी तो हमने आवेदन दे दिया, आप देखते हैं क्या कार्रवाई होती है।